आज ना फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी। कद्दू की सब्ज़ी जिसे देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, उस प्राय सभी को अच्छी लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई में लेना है ऑयल। ऑयल थोड़ा सा आपको 3 से 4 चम्मच लेना है, क्योंकि इसमें ऑयल अच्छा लगता है। हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई लहसुन। इन सभी को हमें भून लेना है। जब थोड़ा सा प्याज भून जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे राई दाना, साथ में थोड़ा सा मेथी दाना और साथ में हम लेंगे आधा चम्मच जीरा। इन सभी को भी प्याज के साथ में सॉटे कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच से थोड़ा कम हींग। इन सभी को लगातार चलाते जाना है ताकि हमारी कोई भी चीज़ें जले ना। और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे तब हम इसमें फिर मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले ऐड करेंगे, इसके पहले हम इसमें खड़े मसाले भी ऐड करेंगे क्योंकि उनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आपको पता है पहले के समय में जब लोगों के यहाँ शादी होती थी तो कद्दू की सब्ज़ी मेन होती थी, कि पूरी के साथ में कद्दू की सब्ज़ी बनना बहुत ज़रूरी है। और वो जो हलवाई बनाया करते थे उनका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता। तो देखिए यहाँ पर खड़े मसाले भी ऐड कर दिए हैं। इनको भी हमें 1 से 2 सेकंड तक चला लेना है। इसमें अपने बेसिक मसाले ऐड करेंगे जिसमें है हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने ले लिया हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा कम लिया है लाल मिर्च पाउडर और चम्मच भर के लिया है धनिया पाउडर। इन सभी को हम थोड़ा सा भून लेंगे। आपको ये एक पिसे मसाले हैं इसलिए ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 सेकंड आप इसे चलाइए। इसके बाद हम इसमें कटी हुई कद्दू और आलू को मिक्स कर देंगे और मसाले के साथ उसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। सब्जी के साथ मसाले मिक्स हो जाएंगे तब फिर हम उसे ढक देंगे। तो देखिए यहाँ पर मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हमने इसमें डालना है कटी हुई कद्दू और आलू। आलू मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि कई बार बच्चे कद्दू नहीं खाते हैं तो उनको आलू हम दे सकते हैं, इसलिए मैंने एक आलू इसमें ऐड कर दिया है। और अब देखिए इसे मसाले के साथ मिक्स कर रहे हैं और देख के ही इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, तो मतलब बनने के बाद कितनी अच्छी लगेगी। एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको यकीन मानिए पूरी के साथ लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और इसके बाद मैंने इसमें लिया है करी पत्ता। तो करी पत्ता मैंने बाद में लिया है, वैसे तो इसको बघार के साथ लेते हैं पर बघार के साथ इसका फ्लेवर थोड़ा सा उड़ जाता है, इसीलिए हम इसको बाद में ऐड करते हैं। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसे ढक देंगे। तो देखिए नमक डालने के बाद इसमें ढक देंगे तो धीरे धीरे सारी सब्जियों का मसालों का फ्लेवर आएगा और जो हमने करी पत्ता ऐड किया है उसका फ्लेवर भी सब्जी में पूरा बना रहेगा। तो पूरी सब्जी को नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए ढक दिया। ढकने के बाद जब हम इसे दोबारा खोलेंगे तब आप देख सकते हैं कि कद्दू अच्छी तरह से गल चुका है। कुमड़े या कद्दू को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए हमें 2 से 3 मिनट ही से ढकना चाहिए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड करेंगे और कटे हुए धनिया से इसे गार्निश कर लेंगे। आपकी कद्दू की सब्जी तैयार है, एक बार इसे ट्राई करिएगा और पूरी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ इसे इंजॉय करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।